दोस्तों, जब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की बात आती है तो बच्चे बच्चे को बुर्ज खलीफा का नाम पता है। दुबई की बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची इमारत है और इसकी हाइट 2716 फुट है। इस ऊंची बिल्डिंग पर 114 अरब रुपयों का खर्चा आया। सिर्फ इतना ज़्यादा पैसे ही नहीं, बल्कि ये बिल्डिंग इंजीनियरिंग की हिस्ट्री का एक कारनामा माना जाता है। ये अजीम कारनामा इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट और वर्कर ने किस मुश्किल से ये कारनामा किया, आज हम उसी पर बात करेंगे। चैलेंज नंबर 1, बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे पहला चैलेंज था कंस्ट्रक्शन टाइम पर होना। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियरिंग को 6 साल का वक्त दिया गया, जिसमें उनको ये सारा कारनामा करना था। इन 6 सालों में से बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाने में सिर्फ 3 साल का वक्त रिक्वायर्ड था। अगर 3 साल डिज़ाइन बनाने में लगा देते तो बकाया 3 साल में बिल्डिंग का फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन नहीं था। तब इंजीनियर ने फैसला किया बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर डिज़ाइन के ही स्टार्ट कर दी जाए। इस वजह से फरवरी 2004 में खुदाई का काम स्टार्ट हो गया, लेकिन साथ ही साथ डिज़ाइन का काम भी चलता रहा। चैलेंज नंबर 2, बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी इमार ने चिकागो USA टॉप लेवल आर्किटेक्ट फर्म से मुलाकात किया। लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को डिज़ाइन करना इनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था। इनका चैलेंज था कि इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना था जो लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे का वजन भी उठाए, जिसके फ्लोर नेचुरल लाइट से रोशन हो और वो बिल्डिंग भी 160 मंजिला हो। इस यूनिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस फर्म ने दिन रात एक करके निकाल लिया, और वो था बट्रेस स्ट्रक्चर, जो दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा में यूज़ किया गया। चैलेंज नंबर 3, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन थोड़ा और ऊपर जाते ही इनको और एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो मुश्किल ये थी, जो कंक्रीट मिक्सचर वो तैयार करके ऊपर भेजते थे वो ऊपर जाते जाते सूख जाता था। इस चैलेंज का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, और वो था कंक्रीट सक्शन सिस्टम। यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए। इन पाइप के ज़रिए कंक्रीट को ऊपर एक फ्लोर तक पहुंचाना था। ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का टोटल वजन 1 लाख हाथियों के वजन से बनता है। इतना ज़्यादा कंक्रीट पंप करने के लिए दुनिया के 3 सबसे ज़्यादा ताकतवर पंप मंगवाए गए। चैलेंज नंबर 4, बुर्ज खलीफा की लॉन्च में सिर्फ 2 साल बचे थे। बिल्डिंग का तमाम फ्लोर का स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन एक चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही थी, और वो थी ग्लास पैनल। जी हाँ, बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल लगने थे। जब ग्लास पैनल लगाने की बारी आई तो उनको लगाने से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता था। ये ग्लास पैनल लगाने से बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती। पूरे 18 महीने सिर्फ इस मसले के सॉल्यूशन में गुजर गए, लेकिन आखिरकार मशहूर इंजीनियर जॉन ज़ेरेफा ने कहा कि उनके पास इस मसले का सॉल्यूशन मौजूद है, लेकिन वो सॉल्यूशन बहुत महंगा होगा। जॉन की बात का मंजूरी की गई, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जॉन ने एक खास किस्म का ग्लास बनाया जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली यूवी रेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन एक गिलास पैनल की कीमत $2,000 थी, और ऐसे 24,000 पैनल बनाना था, और ये रकम टोटल 3 अरब 60 करोड़ बनती थी, जिसके लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही गिलास मैन्युफैक्चर हुए, और सिर्फ 4 महीनों में ही एल्यूमिनियम ग्लास पैनल तैयार हो गए। चैलेंज नंबर 5, कंस्ट्रक्शन के आखिर साल में बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था। गैस, पानी और बिजली का सारा काम हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा ज़रूर था। बुर्ज खलीफा का टॉप फ्लोर की एंडिंग अधूरी थी। इसके ऊपर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगाना था, जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और इसका वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई भी क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने ज़्यादा वजनी स्टील को उठाकर बुर्ज खलीफा के टॉप पे रखे,
लेकिन किसी भी कीमत पर यह काम करना जरूरी था, क्योंकि अब बुर्ज खलीफा के लॉन्च का मामला था। आखिरकार इंजीनियर ने फैसला किया 136 मीटर लंबी रॉड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए। इस रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ले जाया गया और बुर्ज खलीफा की चोटी पर असेंबल किया गया। अब आप जानिएगा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के चंद फैक्ट। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में टोटल 12,000 वर्कर एक ही टाइम पर काम करते थे और बुर्ज खलीफा की हाइट 3 आइफल टावर के बराबर है। तो गाइस, आपको ये फैक्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।